तो नमस्कार, रविवार 27 अगस्त 2023। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पे हम लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अल नीनो हावी हो चुका है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर निकल के आ रही है कि उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश भयंकर रूप से हो रही है, वहीं मैदानों में मानसून रुक सा गया है। और गौरतलब है कि मैदानों में कृषि उपज सबसे अधिक होती है और इसका असर अब चिंताजनक होने लगा है। इस बीच में वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगस्त के बाद सितंबर में भी बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका बन रही है। यदि इसको समझें तो मतलब यह है कि मानसून सीजन जो 30 सितंबर तक सामान्य कम बरसात के साथ खत्म होने की संभावना है, जो औसतन 94% से 106% बारिश को सामान्य श्रेणी में माना जाता है और उससे कम होने पर चिंताजनक हो जाती है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञानों की बात करें तो ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉक्टर अक्षय देवरस ने अलग अलग मौसमी मॉडल के ट्रेंड के आधार पर अनुमान लगाया है कि सितंबर में भारत में के 36 मौसमी सब डिवीजनों में से 32 सब डिवीजन में सामान्य से कम यानी 94% या उससे कम बरसात होने की संभावना बनेगी। मात्रा के हिसाब से यह सितंबर में सामान्य 20 मिलीमीटर से बरसात कम रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग भी अगले सप्ताह सितंबर के लिए अपना पूर्वानुमान जारी करने वाला है। हालांकि IMD यानी इंडियन मौसम विभाग जुलाई के आखिरी में मिड मानसून पूर्वानुमान में अगस्त सितंबर में सामान्य से कम बरसात की आशंका जता चुका है। अक्षय देवरस के मुताबिक ये अलनीनो का असर है। जिस तरह इंडियन ओशियन डाइपोल व मेडन जूलियन ऑसिलेशन ने जुलाई में मानसून की मदद की थी, वह स्थिति अब नहीं है। गौरतलब है कि जुलाई के अंदर विपर्जाय साइक्लोन ने जबरदस्त बरसात पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे इलाकों में काफ़ी की थी। उससे फसलों को कुछ फायदा जबरदस्त मिला था। अब अलनीनो सभी मौसमी तंत्रों पर हावी हो चुका है और जहां तक पश्चिमी से आने वाली विक्षोभ व बारिश नहीं ला पा रहे हैं। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की ओर से गर्म हवाएं लगातार आ रही हैं, जिससे कम से कम सितंबर के पहले पखवाड़े में उत्तरी पश्चिमी व मध्य भारत में सामान्य बरसात की संभावना घट रही है। अगस्त में अब तक की बारिश 32% कम है, जिससे पूरे मानसून सीजन की बारिश में 7% की कमी हो चुकी है। ऐसे में सितंबर में भी बारिश की कमी का मानसून का सामान्य स्थिति में खत्म नहीं होगी। और पृथ्वी के विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन का कहना है कि अलनीनो वर्ष सितंबर महीने में 10% बारिश की कमी से 87% तक बरसात कम होने की संभावना नजर आ रही है, जबकि 20% की कमी 47% है। तो कुल मिला के अब स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक देश के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक सामान्य बरसात हुई है। वहीं 6 राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बरसात है। केरल में सामान्य से आधी ही बरसात हुई है। सबसे कम बारिश होने वाले जो इलाके हैं, राज्य हैं, उसमें केरल में औसत से 47% कम, कर्नाटक में 19% कम, छत्तीसगढ़ में 16% कम, बिहार में 25% कम और झारखंड में 34% कम हैं। जबकि दूसरे कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर सामान्य से ज़्यादा बरसात है, जिसमें लद्दाख 181%, चंडीगढ़ 70%, हिमाचल 38% और गुजरात के कुछ इलाकों में 20% अधिक है और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में 20% अधिक है। लेकिन राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, इसमें समान रूप से सभी जगह बारिश अधिक नहीं है। अधिकतर इलाके यहाँ भी सूखों के प्रभाव में आने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यही होगा कि अब क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून और खरीफ की फसलें ये आपस में कनेक्टेड होती है और भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा इससे कवर होता है। इसमें तिलन, दलहन, मसाला और चावल जैसी महत्वपूर्ण फसलें हैं। सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इधर कपास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, दालें, उड़द, तुअर ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, दूसरी ओर मसाले काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यदि इसका इफेक्ट आता है तो देश के अंदर महंगाई बढ़ने की पूरी पूरी संभावना और बढ़ सकती है। दोस्तों, सरकार भी इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि उत्पन्न उपलब्ध खाद्यान्नों को निर्यात पर रोक लगाना, स्टॉक लिमिट जैसी बंदिशें लगाना ताकि महंगाई ना बढ़े,
लेकिन प्राकृतिक प्रकोपों को रोकना किसी की बस की बात नहीं है। दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यदि आपको पसंद आए तो। दोस्तों याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। हम हर पल की हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं और विश्लेषण भी आप तक प्रस्तुत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।